2005 में दो सर्वाइवल शोज रिलीज होती है, सर्वाइवर मैन एंड मैन वर्सेस वाइल्ड। लेकिन बियर ग्रिल्स की मैन वर्सेस वाइल्ड शो रिलीज होते ही इंस्टेंट हिट हो जाती है। इसके शोज को वर्ल्ड वाइड में पॉपुलैरिटी मिलने लगती है और इसके शो में कुछ ऐसे थ्रिलिंग सिनेरियो शोकेस किए जा रहे थे जिससे लोग फोर्स योर इससे कनेक्ट हो रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ लेस ट्राउड की शो सर्वाइवर मैन जो सेम ईयर में रिलीज हुई थी, जिसने मिस्टर गिल से कहीं ज्यादा ऑथेंटिक एंड रियलिस्टिक अप्रोच में शो को प्रेजेंट किया था, वो मैन वर्सेज वाइल्ड के लेवल की रिकॉग्निशन तो छोड़ो उसके क्लोज भी नहीं थी। दोनों ही शो का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि शो के होस्ट एक्सट्रीम डेंजरस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेंगे और वो अपने सर्वाइवल एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करेंगे और वही हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। लेकिन मैन वर्सेस वाइल्ड के फर्स्ट सीजन खत्म होते ही कुछ ही दिनों में मिस्टर बियर गिल्स को पूरी तरह से एक्सपोज किया जाता है। इसके शो के ऊपर फेक होने के एलिगेशन लगने लगती है, ऑडियंस को मिसलेड करने के एलिगेशन लगने लगती है। लेस ट्राउड भी मिस्टर बियर गिल्स की ऑथेंटिसिटी को लेकर उसे पूरी तरह से डिस करते हैं। तो क्या मिस्टर गिल्स ने हमें सच में मिसलेड किया? शुरू से स्टार्ट करते हैं। मैन वर्सेस वाइल्ड शो की रिपुटेशन खराब होनी शुरू होती है 4 जुलाई 2007 से, उसके फर्स्ट सीजन खत्म होने के सिर्फ 4 दिन बाद। द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश होती है, ए टीवी सर्वाइवलिस्ट स्काउट कटिंग कॉर्नर, और वो आर्टिकल लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि बियर गिल्स के शो के कंसल्टेंट मार्क वाइनट होते हैं। मार्क वाइनट एक्सप्लेन करते हैं, जब हम सियरा माउंटेन पर थे जिसमें बियर गिल्स रॉक के नीचे बॉनफायर के बगल में लेटे हुए दिखते हैं, लेकिन मिस्टर ग्रिल्स एक्चुअली में कुछ रात पास लेक में बसी पाइंस रिजॉर्ट में रह रहे थे अपने क्रू मेंबर के साथ, और साथ ही वहां टेलीविजन, स्टोन, फायरप्लेस, हॉट टब्स एंड इवन इंटरनेट एक्सेस भी थी। और फिर उसी सेम एपिसोड में मिस्टर ग्रिल्स बम्बू से एक राफ्ट बनाते हुए दिखते हैं जिसमें फिश नेट सेल लगा होता है, और वो भी एक्सपोज हो जाती है जब वाइनट एक्सप्लेन करते हैं कि वो बनाने के लिए उसकी पूरी टीम लगी थी। देन अगेन हमने देखा सीजन 1 एपिसोड 5 में, जो इसमें सबसे ज्यादा सस्पिशियस था, मिस्टर ग्रिल्स दिखते माउंट किलाउया पर जो एक वोल्केनिक माउंटेन है। मिस्टर ग्रिल्स एक्टिव वोल्केनो पर चलते हुए दिखते हैं जिसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म्स इन वोल्केनोस एंड हियर इट्स रियली थिक। लेकिन वो एपिसोड ब्रॉडकास्ट होने के बाद एक सेफ्टी इंस्ट्रक्टर संडे टाइम्स में बताता है, द वाइट पॉइजनस सल्फर डाइऑक्साइड डेड बिलो अराउंड द फॉर्मर एसएस एक्सप्लोरर इन फैक्ट हार्मलेस वेपर क्रिएटेड बाय स्मोक मशीन एंड अकॉर्डिंग टू इनसाइडर द रेड ग्लो ऑफ द मोल्टेन मैग्मा व्हिच ही वॉर्न्ड कुड इनसिनरेट हिम इन सेकंड वाज सप्लीमेंटेड बाय बर्निंग हॉट कोल्स ब्रॉट इन बाय मेंबर ऑफ द प्रोडक्शन टीम। सो बेसिकली मिस्टर ग्रिल्स जहाँ चल रहे हैं वहाँ के लावा इन्हें कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकती है, इसलिए वहाँ लाल जलता हुआ कोयले का सेटअप प्रोडक्शन टीम ने बनाया है और वहाँ के वेपर हार्मलेस है क्योंकि उसे स्मोक मशीन ने जनरेट किया है। असल बात यह है सल्फर डाइऑक्साइड फ्यूम्स आर कलरलेस, उसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए प्रोडक्शन टीम ने हम ऑडियंस को स्क्रीन पर दिखाने के लिए वो फ्यूम को स्मोक मशीन से जनरेट किया है। आगे एपिसोड में हम मिस्टर ग्रिल्स को बात करते हुए देखते हैं कि वो सिविलाइजेशन से बहुत दूर है, शहर से बहुत दूर है, और ये लावा क्रैक बहुत डेंजर है क्रॉस करने के लिए। Sometimes you get these lava bridges that cross them over, sort of in the same way you get snow bridges over crevasses, but you've got to be really, really careful crossing these, just because you don't know what's solid and what's hollow underneath. फिर मैंने YouTube में एक टाइटल देखा, मैन वर्सेस वाइल्ड बियर ग्रिल्स एक झूठा है। वीडियो में दिखता है कैमरा के पीछे लावा क्रैक एंड हो चुका है और मिस्टर ग्रिल्स सिंपली साइड में जा सकते थे, और तो और वो सिविलाइजेशन से दूर भी नहीं थे क्योंकि हाईवे बगल में थी। फिर उसके बाद मैंने वोल्केनिक चेजर की डिस्क्रिप्शन पढ़ी जो मिस्टर ग्रिल्स के और भी सेगमेंट को पूरी तरह से एक्सपोज करती है। मोस्ट ऑफ द शो डोंट एग्जिस्ट इन द एरिया ही वाज सपोज्ड टू बी इन। एवोकाडो ट्रीज, लावा ट्यूब, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फीजर्स एंड लैंडिंग साइट्स आर ऑल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आइलैंड एंड सेपरेटेड बाय अप टू 50 माइल्स। आई हैव हाइक्ड दिस एरिया हंड्रेड ऑफ टाइम्स। आई कैन अंडरस्टैंड हाउ पीपल हु हैव नॉट बीन टू एरिया मे थिंक इट्स लेजिटिमेट, but I was surprised how easy it was to dupe the Discovery Channel. It would be suicidal to follow the foolish advice given by this show. They are only few hundred feet long and easy to go around. Only the phony bear seems to have trouble crossing them. सिर्फ झूठा बियर ग्रिल्स को यहाँ जाने में परेशानी हो रही थी। उसने पूरे एपिसोड में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताए जो प्रॉब्लम एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। सर्वाइवल एक्सपर्ट निक ब्रूमस जो बियर ग्रिल्स के साथ सीजन 1 में काम कर चुकी है कहती है, पूरा शो स्क्रीन
स्क्रिप्टेड था। मिस्टर ग्रिल्स को एक सर्वाइवल एक्सपर्ट नहीं है, वो सिर्फ एक एडवेंचर एक्टर है जिसने 1997 में एक अपनी कंपनी बनाई। जो कुछ आप शो में देखते हैं वो सब कुछ सेटअप है। मैंने उसके लिए शेल्टर बनाए, मैंने उसके लिए सांप पकड़े जिसे खाते हुए वो कैमरा में दिखा सके। ब्रूमंस एक और सेगमेंट को एक्सपोज करते हुए कहती है जिसमें मिस्टर ग्रिल्स ऑलमोस्ट क्रोकोडाइल से अटैक होते हुए दिखते हैं, लेकिन असल में मिस्टर ग्रिल्स क्रोकोडाइल के इतने नजदीक नहीं गए थे। हमारी पूरी टीम क्रोकोडाइल से डरी हुई थी, इसलिए उस सीन को इस तरह से शूट किया गया जिससे मिस्टर ग्रिल्स क्रोकोडाइल के नजदीक लगे, लेकिन मिस्टर ग्रिल्स एक्चुअल में सेफ डिस्टेंस पर थे। एज ए रिजल्ट पूरी मीडिया की नजर बियर ग्रिल्स के शो पर जाने लगी। तब मिस्टर ग्रिल्स ने लाइव टॉक शो में इस पर रिस्पॉन्ड किया। स्किनिंग अ डियर एंड क्रॉलिंग इनसाइड टू स्लीप एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ and then we heard somebody complaining that they said no, he's down the road at the Motel 6. He's not really out there surviving. Now what was the deal? What happened exactly? The truth's kind of less exciting than the headline really. Mm-hmm. But the way we film these things is over 6 days, and when I'm filming the live night stuff out, I'm out whether, you know, it's in a camel carcass or up a tree. Mm-hmm. And then when we're not filming the night stuff, I'll stay with the crew, you know, wherever that is, whether it's in a, you know, tented camp area in the Sahara or a jungle lodge, you know, in a rainforest or wherever. But yeah, you kind of need to take the rough with the smooth a bit. I always kind of feel, you know, I'm not the... मिस्टर ग्रिल्स ने पब्लिक अपॉलजी भी मांगी। पीपल फेल्ट मिसलेड ऑन हाउ द फर्स्ट सीरीज वाज रिप्रेजेंटेड, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड डिस्कवरी चैनल ने प्रॉमिस करी के नेक्स्ट सीरीज से 100% ट्रांसपेरेंसी रहेगी हमारे बीच, और नेक्स्ट सीजन से शो के स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दिखने लगी। एक एपिसोड में अफ्रीकन सावन्ना के दौरान मिस्टर ग्रिल्स एलिफेंट डंग से पानी निचोड़ कर पीते हुए दिखते हैं, लेकिन कैनेडियन सर्वाइवल एक्सपर्ट लेस्ट्राउड जिसने सर्वाइवर मैन शो को होस्ट किया वो ये एपिसोड के सीन को रिस्पॉन्ड करते हैं, मैन वर्सेस वाइल्ड में ज्यादातर एक्चुअल सर्वाइविंग स्किल सिखाए गए हैं वह सब बकवास है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एलिफेंट डंग से पानी स्क्वीज किया जाए। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है जब कैमरा मैन पानी को एलिफेंट डंग में डाल दे, और मैं इसे यहाँ तक कहूँगा अगर इसके कुछ स्किल एक्चुअल रियल लाइफ में अटेम्प्ट किए गए तो वो वहाँ की सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। I was wondering if you've ever had the opportunity to meet Bear Grylls. I forgot to mention, I'll answer any question. What's that one? What are your thoughts on Bear Grylls? If you wanted to learn about archaeology, would you get it from Harrison Ford? A lot of fresh water around here. It's a good thing, too. Otherwise, I'd be reduced to probably having to drink my own pee. What about Bear Grylls? What's your problem? Who? अगर हम इसे और एक्सट्रीम लेवल एविडेंस के साथ देखें तो हमें देखना होगा एक वीडियो को जिसे जस्टिन वॉलेस ने अपलोड किया है। क्लाइंबर क्रिंज बियर ग्रिल्स कंफर्म टॉप प्रोपर। सो जस्टिन वॉलेस एक स्केल्ड क्लाइंबर है, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं मिस्टर ग्रिल्स के एक एडवर्टाइजमेंट वीडियो को जिसमें मिस्टर ग्रिल्स डिफिकल्ट रूट ऊटा में रॉक क्लाइंबिंग करते हुए दिखते हैं, और उसमें वो बहुत ज्यादा गलत तरीके से रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। And it's true, I think sometimes you need to get right to the foot of it and just start. Sorry, bud, but a single wire gate on your harness isn't gonna do much for you. What the hell knot is that? It kind of looks like a bowline. Oh, and there's so many good placements too. What is he doing? Oh, man. Alright, I just want to point some things out here real quick. There's no way he is holding his body weight with that one hand in that crack right there. His crew is definitely pulling his fat ass up there on a 3-1. There's no way he's climbing that. इतने सारे एक्सपोज होने से ये प्रूव तो हो जाती है कि द शो वाज स्क्रिप्टेड, बट इट डजंट मीन कि शो का हर एक सीन स्क्रिप्टेड हो। स्टिल मिस्टर ग्रिल्स ने शो में कई और डेंजरस सीन खुद से किए हैं। प्रीटी मच एवरीथिंग ऑन टीवी इज स्क्रिप्टेड एट सम एक्सटेंट, क्योंकि अगर शो स्क्रिप्टेड नहीं होती तो वो बोरिंग हो सकती थी, एंड मे बी शो को इतने लोग नहीं देख रहे होते। शो का एक ही मोटिव था, आपको सर्टेन सिनेरियो में सर्वाइव करना सिखाना, एंड ही डिड प्रीटी वेल। तो में हर एक एपिसोड के सर्वाइवल स्टंट को रियल करना वो शो के मेकर्स के लिए डेंजरस है और इलॉजिकल भी है। द पॉइंट इज दिस शो इज इंटरटेनिंग, राइट? इफ यू रियली वांट टू सी समवन हु इज एक्चुअली डेमोंस्ट्रेटिंग सर्वाइवल स्किल, तो आपको लेस्ट्रॉड की शो सर्वाइवर मैन देखनी चाहिए। लेस्ट्रॉड ने एवरी सीन खुद से फिल्म किया बिना कोई प्रोडक्शन क्रू मेंबर की मदद से। उसने दिखाया क्या होता है रियल सर्वाइविंग स्किल। आई थिंक ही इज रियली अमेजिंग पर्सन। What's the most important tool to have with you in the jungle, besides having that never give up attitude? It really is the ultimate jungle survival tool. I'm never without mine.